Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, dear students? And how are your family members? Brothers, as you know very well that yesterday we were reading the third paragraph of this lesson, Women's Education. Today I would like to read the fourth paragraph of this lesson. Let's and see the text of this paragraph. Every time we start, we use our hymns and end with saying Shanti, Shanti, Shanti. The teacher and the pupils are expected to avoid hating each other. Compassion, daya, is the quality which is more characteristic of women than of men. I read recently a book which speaks about the decline of womanhood and says that this is so because there is a decline in compassion. In other words, the natural quality of women is compassion. If you do not have compassion, you are not human. It is therefore essential for every human being to develop the quality of considerateness, kindness and compassion. Without these qualities, we are only human animals, nara pasu, not more than that. Aziz talaba, ye hamara chautha paragraph hai is sabak ka, women's education, khawateen ki taleem ya taleem-e-nisma naam ye jo sabak hai, women's एजुकेशन, इसका चौथा पैराग्राफ हम और आप आज पढ़ने जा रहे हैं. आइए इसका तर्जुमा और मीनिंग देखते हैं. एवरी टाइम वी स्टार्ट, यानी जब भी हम शुरू करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, ख्वाह वो किताब पढ़ना हो या और कोई काम हो, तो हम क्या करते हैं, वी यूज अवर हिम्स. हम पढ़ते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं अपने हमदिया कलाम को, यानी हम अपने दुआ से शुरू करते हैं. वी यूज अवर हिम्स, हम क्या है, हमद से शुरू करते हैं. एंड एंड विथ सेइंग शांति, शांति, शांति. और जब हम उसका खात्मा करते हैं, हम खत्म करते हैं, तो ये कहते हुए खत्म करते हैं शांति, शांति, शांति. द टीचर एंड द पुपिल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर. राइटर कह रहा है कि द टीचर एंड द पुपिल्स, उस्ताद और शागिर्द से आर एक्सपेक्टेड, उम्मीद की जाती है टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर, कि एक दूसरे से नफरत से बचेंगे, दूर रहेंगे, टू अवॉइड, दूर रहेंगे नफरत से एक दूसरे के साथ. यानी शागिर्द उस्ताद से नफरत नहीं करेगा और उस्ताद शागिर्द से नफरत नहीं करेगा. राइटर कहता है कि टीचर से और स्टूडेंट से इस बात की उम्मीद की जाती है कि वो एक दूसरे से नफरत से दूर रहेंगे, यानी नफरत के करीब नहीं जाएंगे, एक दूसरे से नफरत करने से दूर रहेंगे. कंपेशन, रहम, दया. कंपेशन उसी का खुद एक्सप्लेनेशन आगे दया में लिख दिया है. कंपेशन यानी दया इज द क्वालिटी, ये खसूसियत है. कंपेशन यानी दया इज द क्वालिटी, खसूसियत है, विच इज मोर, ऐसी खसूसियत है, विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक, जो ज्यादा
खासियत की हामिल है ऑफ वुमेन, औरतों की, जो औरतों में खसूसियत मर्दों के मुकाबले ज्यादा है। कह रहे हैं कि कंपेशन यानी दया इज द क्वालिटी, ऐसी खसूसियत है जो कि औरतों में ज्यादा होती है देन ऑफ मेन, मर्दों के मुकाबले में। रहम का मादा, दया का मादा जो है वो मर्दों के मुकाबले में औरतों में ज्यादा होती है। रहम की जो खसूसियत है औरतों में ज्यादा पाई जाती है मर्दों के मुकाबले में। आई रेड रिसेंटली अ बुक, राइटर कहता है कि मैंने अभी हाल ही में रेड पढ़ी है, अ बुक, एक किताब, एक ऐसी किताब विच स्पीक्स, जो बताती है अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमनहुड, निस्वानियत, औरतों के निस्वानियत के जवाल के बारे में बताती है। क्या बताती है? औरतों के निस्वानियत के जवाल के बारे में हमें बताती है। क्या है? इन अदर एंड सेज, और ये भी बताती है दैट दिस इज सो बिकॉज, और ये इसलिए है क्योंकि देयर इज अ डिक्लाइन, इन कंपेशन, कि दया में, रहम और शफकत में कमी आ रही है, और ये इस वजह से है कि शफकत में कमी है, दया में कमी आ रही है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, दूसरे लफ्जों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमन इज कंपेशन विमेन, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ विमेन, औरतों की तबई कुदरती क्वालिटी खसूसियत इस कंपेशन, दया है, रहम है। यानी औरतों के अंदर कुदरती तौर पर रहम का और दया का मादा रहता है। तो इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, द नेचुरल क्वालिटी, तबई हकीकी खसूसियत ऑफ वुमेन, औरतों की, इस कंपेशन, दया है। If you don't have compassion, अगर तुम दया नहीं रखते हो, अगर तुम में दया नहीं है, you are not human, तो तुम इंसान नहीं हो। अगर तुम दया नहीं रखते हो, तुम में दया नहीं है, you are not human, तुम इंसान नहीं हो। It is therefore, लिहाजा, essential, जरूरी है for every human being, हर इंसानों के लिए, टू डेवलप, की बढ़ाए द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस, एक दूसरे का लिहाज रखने की क्वालिटी को, खसूसियत को। इसलिए जरूरी है हर इंसान के लिए कि वो एक दूसरे के साथ ख्याल व लिहाज रखने की जो खसूसियत है उसको बढ़ाए, काइंडनेस, शफकत को बढ़ाए, एंड कंपेशन, और दया व रहम को बढ़ाए। इसलिए जरूरी है हर इंसान के लिए कि एक दूसरे का लिहाज रखना, शफकत करना और दया करना इस क्वालिटी को बढ़ाए। विदाउट दीज क्वालिटीज, इन क्वालिटी के बगैर, इन खसूसियात के बगैर, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, हम सिर्फ इंसान नुमा जानवर हैं। इन खसूसियात के बगैर हम इंसान नुमा जानवर हैं, जिसे नारा पशु कहा जाता है, यानी नारा पशु है, इंसान नुमा जानवर, नॉट मोर देन दैट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, नॉट मोर देन दैट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अजीज तलबा, ये हमारा चौथा पैराग्राफ है जो कि मुकम्मल हुआ। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपको कल इंशाल्लाह अगले पैराग्राफ के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। यहाँ मीनिंग आपकी लिख दी गई है, हिम यहाँ लिखे, इन साइलेंट रहेगा, इन हिम पढ़ेंगे, हमदिया, तराना, भजन, हम, तो एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेड तवक्को करना, उम्मीद करना, कंपेशन, दया, इंटरेस्ट, क्वालिटी, काबिलियत, खूबी, खासियत, डिक्लाइन, जवाल, और नेचुरल हकीकी, तबई, वुमनहुड, स्त्रीपन, निस्वानियत,
निस्वाई तबीयत और इसके बाद में लिहाज रखना, कंसिडरेटनेस, कंसिडरेटनेस लिहाज रखना, एहतियात करना, इसेंशियल, इसेंशियल जरूरी, और इसके बाद में है काइंडनेस, शफकत के माने में है काइंडनेस, शफकत। ये मीनिंग्स हैं इस सबक की, इस पैराग्राफ की, इसको याद करना है स्पेलिंग के साथ, इस सबक को बार बार पढ़ते रहना है। हम फिर मिलेंगे आपको कल इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।